आप सभी को दास के प्यार भाई नमस्कार और धन नमस्कार। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है और इसे आनंद पूर्वक जीने के लिए इसमें संतुलन का होना परम आवश्यक है। मतलब किसी भी चीज की अति ना हो, ना तो अधिक बोलें, ना अधिक शांत ही रहें, अधिक वर्षा भी नहीं होनी चाहिए और ना ही अधिक धूप हो। यह दोहा तो आपने जरूर सुना होगा कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। आप जानते हैं कि अति तो हर चीज की बुरी है और दास तो कहता है कि अति तो प्रेम की भी बुरी है। यदि आप किसी टूटने फूटने वाली वस्तु से, किसी घटने बढ़ने वाली वस्तु से अति प्रेम करते हैं तो वो प्रेम अंततः दुख का कारण बनता है और जीवन में किसी को भी दुख नहीं चाहिए। हर किसी को सुख चाहिए, हर किसी को आनंद चाहिए। आपने कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे युवा देखे होंगे जिन्हें उनके माता पिता के द्वारा मिलने वाले अति प्रेम ने बिगाड़ करके रख दिया। मतलब शिशु को बचपन में ही यदि आप आवश्यकता से अधिक प्रेम करेंगे तो वो ढीठ और जिद्दी बन जाता है, जो कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बनता है उसके लिए भी और आपके स्वयं के लिए भी। इसलिए प्रेम तो करें। दास का मतलब यह है, ये नहीं है कि आप प्रेम ना करें, प्रेम करें लेकिन संतुलन में। आपका प्रेम ऐसा ना हो कि उस प्रेम से आपके परिवार में अलगाव पैदा हो जाए, परिवार टूटने लगे। कई बार अति प्रेम के कारण परिवार में टूट भी पैदा हो जाती है। जी हां, परिवार में टूट, फुजेरा, ये नाम है UAE की एक महिला का जो विवाह के एक वर्ष बाद ही पहुंच गई अदालत अपने पति से तलाक लेने के लिए। उसका अपने पति पर आरोप था कि वो उसे हद से ज्यादा प्यार करता है, आवश्यकता से अधिक प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि इसके प्रेम को देख देख करके, इसके प्रेम को महसूस कर कर करके मैं उकता गई हूं, मैं ऊब गई हूं, मुझे चाहिए इससे तलाक। फुजेरा इस नाम की महिला। और इस केस के बारे में आप अधिक जानने के लिए दास के फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक दास ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि प्रेम के बिना तो संसार चल नहीं सकता, और सतगुरु भी कहते हैं कि प्रेम करो, हर किसी से प्रेम करो, हर किसी के अंदर परमात्मा का नूर देखो। तो हम प्रेम कैसे करें जबकि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अति तो प्रेम की भी बुरी है। हां, दास ये कहना चाहता है कि अति तो प्रेम की बुरी है लेकिन कौन सा और कैसे प्रेम करना चाहिए, जिसके विषय में सद्गुरु कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जिसमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जिसमें सिर्फ देने की भावना हो, लेने की कोई भी इच्छा ना हो, ऐसा प्रेम जिसमें समर्पण है, ऐसा प्रेम जिसमें त्याग है, ऐसा प्रेम जिसे सद्गुरु पसंद करते हैं, ऐसा प्रेम जिसमें केवल देना ही देना है, लेने की कोई इच्छा कोई भावना शामिल नहीं है। और ऐसे ही प्रेम को ये पसंद करते हैं, ऐसे ही प्रेम की ये कद्र करते हैं। रही बात वात्सल्य, ममता, स्नेह, अपनापन, आकर्षण, दया, ये भी प्रेम के रूप भले ही हैं, लेकिन अति कभी भी इनकी ठीक नहीं रहती, इन्हें हमेशा लिमिट में ही करना चाहिए। हाँ, ये जो निस्वार्थ प्रेम है जिसे ये पसंद करते हैं, ऐसे प्रेम की आप हद भी कर सकते हैं, ऐसे प्रेम की आप अति भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम प्रकट होता है इनकी कृपा से, इनकी दया से, इनकी रजा से। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक राजा की तीन पुत्रियां थी। राजा उन तीनों पुत्रियों को बहुत अधिक प्रेम करता था और वो सोचता था कि ये तीनों भी मुझे अति प्रेम करती हैं। एक दिन उसने बड़ी बेटी को बुला करके उससे पूछा, बेटी तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? उसने कहा, पिताजी मैं आपको इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं जितना सारे संसार में कोई किसी से नहीं करता। राजा ने अपनी दूसरी पुत्री से भी यही सवाल पूछा तो उसने भी राजा को खुश करने वाला उत्तर दे दिया। तीसरी और छोटी पुत्री से राजा ने जब यही सवाल किया तो उसने कहा, पिताजी मैं तो आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना प्रेम एक पुत्री को अपने पिता से करना चाहिए, ना उससे ज्यादा करती हूं और ना उससे कम करती हूं। राजा को अपनी बेटी का ये उत्तर पसंद नहीं आया क्योंकि वो अपनी इस छोटी पुत्री को सबसे अधिक प्रेम करता था। क्रोध में आकर के उसने इसका विवाह एक ऐसे पुरुष से कर दिया जो बीमार और बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था, और अपनी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह जिनके उत्तर उसे पसंद आए थे उसने राजकुमारों से किया। खैर, यह एक लंबी और अलग कहानी है। यहां बात चल रही है प्रेम की अति को लेकर के, कि प्रेम की अति किसी भी दशा में ठीक नहीं है, इन्हें टूटने फूटने वाले रिश्तों और संबंधों को लेकर के। आपका चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है,
परिवार में और हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, इन सबसे प्रेम तो करना चाहिए, इनके अतिरिक्त दूसरों से भी प्रेम करना चाहिए, लेकिन अति का प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम नहीं जो इनके विकास में बाधक बने और आपके लिए भी वो समस्या बन जाए, उनके लिए भी वो समस्या बन जाए। हाँ, प्रेम अति का किया जा सकता है परमात्मा से, निरंकार से प्रेम अति का किया जा सकता है, क्योंकि इनसे प्रेम करके कभी भी सौदा घाटे का नहीं होता, और ये तो ना कभी टूटते हैं ना फूटते हैं, ना जन्मते हैं ना मरते हैं, ना नए होते हैं ना पुराने होते हैं, इनके साथ किया गया प्रेम सदा नया ही रहता है। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो, समस्त सृष्टि से प्रेम करें लेकिन संतुलन में, सारे रिश्ते नातों से प्रेम करें लेकिन संतुलन में, परमात्मा से प्रेम करें अति का, बख्शिश करो, कृपा करो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद।